हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे। और ये मेरे आज के वीडियोस हैं कि हम बाहर चले गए थे और बारिश देखिए कितनी ज़ोरों की हो रही है। क्या अभी तो ऐसा ही माहौल है कि थोड़ी देर में बारिश होती है और फिर रुकती है, फिर वापस बंद होती है, वापस चालू हो जाती है। तो ये बारिश का बहुत बहुत अच्छा सा जो है चल रहा है और बहुत मज़े भी ले रहे हैं हम। तो क्या आपको बारिश पसंद है? मुझे तो बहुत बहुत ही बारिश पसंद है। बस इतना कि रोड से बहुत बहुत कंटाला जाता है कि बहुत रोड्स वगैरह बहुत ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा एक मौसम इतना प्यारा है कि डायरेक्टली जो है अल्लाह की तरफ से जो है यहाँ पानी बरसता है और हम पानी को देखते हैं, एक जैसी ही जो है बूंदे रहती है, एक जैसा अल्लाह ताला ने शावर जो अपना चालू किया होता है। तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगती है और बहुत मज़े लेके जो है हम बारिश के मज़े लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है बारिश, और इतनी प्यारी लगती है बारिश की आवाज़ भी और बारिश में भीगना भी, और ये बारिश वाला भीगा भीगा मौसम भी बहुत ही प्यारा लगता है ये। और यहाँ देखें, हम जो काम के लिए निकले थे लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश थी और हस्बैंड के जरा भी भीगना नहीं था हमारे मेरे हस्बैंड को, तो हम हमारे काम से निकले थे। तो यहाँ पे देखिए, हमें जो गाड़ी को रोक के जो यहाँ बोर्ड के नीचे हमें यहाँ पे जो खड़े रहना पड़ा, और भी बहुत सारे लोग जो है हमें देख के जो यहाँ पे ही आ गए थे और हमारे साथ ही यहाँ पे खड़े हो गए थे। और मैं यहाँ पे जो है थोड़ा वीडियो उतार रही थी कि इतना अच्छा लगता था मौसम कि मैं कोई भी मतलब कैसा टाइमिंग नहीं कि जिसे मैं मिस कर लूँ। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ कि कोई कोई भीग भी रहे हैं और कोई कोई जो है बच भी रहे हैं बारिश से। और देखिए थोड़ी स्लो हो गई, तो हस्बैंड बोले कि आप कितना वेट करते हैं, तो चले ही जाते हैं। थोड़ी हल्की हल्की हुई बारिश, तो हम जो है हमारे काम से निकले थे लेकिन काम नहीं हुआ और हम लोगों ने जो है घर के ही थोड़े काम निपटा लिए। तो यहाँ पर हम थोड़े घर के काम कर रहे थे और यहाँ देखिए ये बारिश कितनी अच्छी लगती है और रोड्स वगैरह भी कितने प्यारे लगते हैं। तो ये हिसाब से जो है हम लोगों जरा यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लगता है रोड्स वगैरह। और हमारे काम के लिए निकले थे लेकिन क्या काम था वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि हम क्या काम से निकले थे लेकिन काम नहीं हुआ था। और यहाँ देखिए, यहाँ सारे फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ें वगैरह थी और थोड़े बहुत फ्रूट्स भी ले लिए थे हस्बैंड ने, और इसके साथ ही हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो है खाने पीने का भी लिया था क्योंकि मेरा फरसान जो है ख़त्म हो चुका था और बारिश में तो इतनी भूख लगती है कि खाने के बाद भी जो है हमें थोड़ा बहुत ऐसा स्नैक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो थोड़े बहुत स्नैक्स ख़त्म हो गए थे, तो देखिए मैं ये लेके आई हूँ तो आपके साथ शेयर कर लूँ। तो थोड़े फीके गाठिए थे, केक्स वगैरह थे और जो थोड़ा थोड़ा बिस्किट के पैकेट्स छोटे छोटे थे। अभी तो मैं जो है थोड़ा थोड़ा ही फरसान लेके आती हूँ क्योंकि बहुत बारिश की वजह से ख़राब हो जाता है, तो मैं अपने यूजमेंट के हिसाब से लेके आती हूँ। और ये देखिए बटर वगैरह थे, ये बहुत अच्छे लगते हैं ईरानी बटर, तो खाने में बहुत अच्छे रहते हैं। और तीखे तीखे जो थोड़े गाठिए वगैरह थे और थोड़े थोड़े बिस्किट्स वगैरह थे, तो ये सारे मेरे स्नैक्स थे जो कि एक वीक के रहते हैं या एक वीक के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है कि रात के टाइम पे भी हम लोग खा लेते हैं इसे, और वैसे भी बारिश है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा मतलब भूख ज़्यादा लगती है। ये डेयरी मिल्क चॉकलेट थी और ये मालकीस बिस्किट भी बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में बहुत मज़े के रहते हैं। और यहाँ देखिए थोड़े बटर ही थे, हस्बैंड ने दूसरे भी लिए थे और मैंने देखा नहीं था, तो इसके अंदर मैं देखूँ क्या थे, लेकिन इसके अंदर भी जो है वो थोड़े बटर जैसे स्नैक्स जैसे ही थे। इसे मैं बराबर से बंद करके रखूं क्योंकि बारिश में जो है बहुत ये सब चीज़ें जो है नरम बहुत पड़ जाती है, तो इन्हें भी मुझे बहुत अच्छे से जो है अच्छे संभाल के इन्हें सब में रखना पड़ता है। और ये डब्बा है मेरा जो कि हरदम मैं इसमें स्नैक्स वगैरह रखती रहती हूँ, तो ये मेरे स्नैक का डब्बा है इतना कि हस्बैंड किसी को भी यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ये डब्बा उठाया और बैठ के खाने के लिए, तो ये बहुत मज़े का रहता है। और यहाँ देखिए मैं सारी चीज़ें जो है अंदर ही रख दूँगी ताकि जो है अच्छे से जो है ख़राब भी ना हो और सारी चीज़ें जो है एक ही जगह रहें। तो अभी का तो जो है थोड़ा बहुत पहले का भी पड़ा हुआ था लेकिन मैंने जो है अभी का फ्रेश गई थी तो लेके ही आऊँ क्योंकि एक चीज़ ख़त्म हो जाती है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह थे, ये मैं स्नैक्स अलग से लेती हूँ और ग्रोसरी भी अलग से रहती हूँ, तो सारी चीज़ें जो मुझे बाहर भी जानी पड़ती हैं। और आज तो मुझे दूसरे काम से जाना था तो वो काम नहीं हुआ। और देखिए स्नैक्स वगैरह तो थोड़े बहुत, तो ये तो सारी चीज़ें आ गई थी और अभी तो इतना बिजी रूटीन जाएगा कि घर के काम भी मेरे से मुश्किल से हो जाएंगे, बहुत मुश्किल पड़ती है सब काम करने और मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है टाइम टेबल को। देखिए इतनी चीज़ें रह गई बाहर और ये बटर का और इतनी चीज़ें रह गई, इसे मैं दूसरी और थैली वगैरह में डाल के रख दूँगी ताकि जो है ये नरम नहीं हो। और मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कोई को मतलब इतना नहीं रहता है कि ध्यान वगैरह लें, ये तो बैठ जाते हैं खोल के और मुझे सब चेक चुक वगैरह करना पड़ता है और बराबर से रखना ही पड़ता है। तो थोड़े बहुत ये बिस्किट्स पहले की भी बाकी हैं, उसे भी मैं अंदर रख दूँ और रैप करके बहुत अच्छे से जो है इसके अंदर मैं करके रख देती हूँ साथ में ही। और इतना साइड पे रह गया, इसे हम साइड पे रख देते हैं।
और ये चॉकलेट वगैरह जो थी इसे मैं फ्रीज के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि कैडबरी वगैरह तो फ्रीज के अंदर ही अच्छी लगती है। थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें मैं फ्रीज के अंदर रखती हूँ ताकि जो है मुझे आसानी से मिल भी जाए और यहाँ अंदर भी रह जाए। तो ये फ्रीज देखें, यहाँ पे मैंने तपेली यहीं पे अंदर रख दी थी मेरी, और देखिए बर्फ़ भी जम गया है इसके अंदर। कुछ भी रहता है तो काम में जो ऐसा याद नहीं रहता है। और देखिए आज तो मुझे खाने में भी रेडी लाना पड़ा था क्योंकि बहुत टाइमिंग हो गया था, बाहर गए थे तो ये मैंने खाना रेडी लेके आए थे। तो हस्बैंड ने ये अंडा करी लिखी, तो ये भी बता दूँ आपको। दोपहर में भी थोड़ा बहुत खाना दोपहर का पड़ा हुआ था तो ये भी चला लेंगे, और एक अंडाकली ले ली थी रेडी ताकि जो है रात का खाना भी हो जाए। और वैसे भी मैं ज़्यादा रात को हम खाना ज़्यादा मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे ज़्यादा लेट हो जाता है तो मज़ा नहीं आती, और स्नैक्स वगैरह ही में मुझे तो बहुत मज़ा आ जाती है कि स्नैक्स वगैरह बैठे बैठे खा लेते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें अंडाकली थी, और इसके साथ ही इतना सारा जो इसने सलाद, तो देखो कितना भर के दे दिया था, पूरा डब्बा ही भर के दे दिया था इसने। तो ये हमारा खाना था, और देखिए ये खाना भी हम यहाँ साइड पे लगा के रख देती हूँ ताकि जो है खाना, हस्बैंड भी अंडा करी को इनको पसंद रहती है और रेडी लेके आते हैं, इनको यही पसंद है। तो मैं इसे रख दूँ एक प्लेट के अंदर और हम खाना खा लेते हैं। और खाना शरारत का खाना था ये हमारा, और हम खाना खा लेते हैं और आपसे मिलती हूँ मैं दूसरे वीडियोज़ के अंदर। और जो बात बतानी है वो दूसरे वीडियोज़ के अंदर बताऊँगी कि मैं आपसे साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, दुआ में याद कीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़।